नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिकावटी विश्वविद्यालय की ओर से बड़ी अपडेट आई है। वो बड़ी अपडेट ये है कि आपके जो एग्ज़ाम फोरम है 2023 के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के हो या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, यूजी पीजी साथ में जो बीएड के स्टूडेंट है, सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ कब से आपके एग्ज़ाम फॉरम स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही में जो फीस रहने वाली है एग्ज़ाम फॉरम फीस, इस बार कितनी आपकी रहेगी, उसमें आपको मतलब कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या घटावट आपको देखने को मिलेगी, ये सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। साथ ही में कब से आपके जो एग्ज़ाम फॉरम है वो भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, साथ ही में 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में जो डेट रहेगी वो क्या कुछ रहेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। साथ ही में देखिए, आपको नोटिस अभी देखो ऑनलाइन आप जैसे साइट के ऊपर सर्च करोगे तो साइट के ऊपर ये जैसे कि न्यू साइट है, और अभी जैसे इसके ऊपर जो नोटिस है वो शायद अपलोड नहीं हुआ है, एक बार आप खुद से चेक कर लेना। बाकी आपको नोटिस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसा कि एक बार आप यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हो, साथ में नीचे भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ पहले से डाल दी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये भी मैंने पहले से डाल दिया था आप सभी छात्रों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब देख सकते हो 23 तारीख से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर देख सकते हो ये नोटिस है, जो सेकंड नोटिस है वो नोटिस भी यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसे कि एक बार आप नीचे देख सकते हो, तो ये नोटिस है जो कि आप चाहो तो साइट पर जाकर देख सकते हो। जैसे कि एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ और जूम करके आपको क्लियर कर देता हूँ कब से आपके जो एग्ज़ाम फॉरम में स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप डेट देख सकते हो, 20 तारीख जनवरी 2023 आज ही की डेट है। इसमें बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, जो जितने भी बीए बीएससी बीकॉम पास कोर्स के स्टूडेंट हैं, जैसे रेगुलर स्टूडेंट हो गए, साथ में नॉन कोलिजिएट के स्टूडेंट हो गए, पूर्व छात्र यानी एक्स स्टूडेंट हो गए, बीसीए बीबीए पार्ट यानी पार्ट फर्स्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, तो उनके एग्जाम फॉरम यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं। साथ ही में समस्त जो स्नातकोत्तर है यानी जो पीजी के स्टूडेंट हैं, एमए एमएससी एमकॉम एमसीए के, जो पूर्वाध यानी प्रीयस के स्टूडेंट हो चाहे फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, साथ में वार्षिक पद्धति नियमित यानी रेगुलर एक्स स्टूडेंट, साथ में प्राइवेट स्टूडेंट, सभी के लिए जो एग्जाम फॉरम की जो डेट है वो 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपकी रहने वाली है। यहाँ पर मैं यूजी की बात कर रहा हूँ ओनली फर्स्ट ईयर की, और पीजी की बात कर रहा हूँ दोनों ईयर की यानी प्रीवियस ईयर की भी और फाइनल ईयर की भी। तो दोनों के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही में जो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए के जो पार्ट सेकंड एंड जो थर्ड है उनके यानी कि जो पार्ट यानी कि सेकंड ईयर और जो थर्ड ईयर है उनके जो एग्जाम फॉरम है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी डेट भी आपके लिए जल्द ही जारी कर दी जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, जल्दी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप एग्जाम फॉरम भर सकते हो। अभी जैसे आज 20 तारीख हो चुकी है, तो परसों तक आपके एग्जाम फॉरम का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, परसों या उसके अगले दिन तक। साथ ही में 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ यानी मतलब कि आप 31 तारीख तक अपना एग्जाम फॉरम भरने में असमर्थ रहते हो तो आपको 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक यानी कि आपको टोटल 3 से 4 दिन का और टाइम दिया जाएगा। अगर कोई छात्र रह जाता है तो इस बीच में वो अपना एग्जाम फॉरम भर सकता है। उसी के साथ में जैसे यहाँ पर इसको मैं फोरम को एक बार नीचे करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट निर्देश रहते हैं वैसे तो। जैसे कि एक तो ये है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमित छात्र छात्राओं की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है, यह संबंधित प्राचार्य अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। बाकी तो देखो ज़्यादातर देखा जाता है, काफ़ी बार नहीं भी देखा जाता है, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको यहाँ पर 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो इन पर आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो, यानी कि कुछ भी आपको पूछना है एग्जाम फॉरम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, देखिए कोई अगर रेगुलर स्टूडेंट रहता है, जैसे वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लेता है या जैसे फाइनल ईयर वो नॉन कॉलेज से करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसको सबसे पहले जो सेकंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है वो यूनिवर्सिटी में जाकर बनना होगा, उसके बाद में वो ये सब कुछ कर सकता है। थोड़ी प्रॉब्लम आती है लेकिन ये चीज़ जैसे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। बाकी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।